हेलो फ्रेंड्स मैं सरिता स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नोवाला में तो फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास इलेवंथ ट्वेल्थ बी एंड एम ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है देखिए जब भी हम कोई थ्योरिकल एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रो जरूर डालना होता है उसका परिचय लिखना होता है तो हम राजनीतिक सिद्धांत क्या है सबसे पहले इसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे क्या है ये राजनीतिक सिद्धांत देखिए समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनको समझने के बाद उनका समाधान करने में राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है हमारी मदद करता है फिर से सुनिए समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनको समझने के बाद उनका समाधान करने में राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है हमारी हेल्प करता है तो देखिए राजनीतिक सिद्ध ये है समझा हमने राजनीतिक सिद्धांत पूरा अब देखते हैं पीछे वाला सिर्फ सिद्धांत ये क्या सिद्धांत का मीन्स ही क्या है एक ऐसा सिद्धांत जिसको देश के समाज के सभी व्यक्ति माने मेरे मानने या आपके मानने से कुछ नहीं आपका सिद्धांत या मेरा सिद्धांत कुछ नहीं एक ऐसा सिद्धांत जिसको सभी माने कभी कभी हम बोलते हैं ना यार ऐसा मत कर ये हमारे नियम नहीं कहते कि हमारा लो नहीं कहता हमारे सिद्धांत ऐसा करने के लिए नहीं कहते तो एक ऐसा सिद्धांत जिसे देश के समाज के हर एक व्यक्ति को मानना पड़े उसको क्या बोला जाता है सिद्धांत वो होता है हमारा सिद्धांत देखिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको सबको बताऊंगा कौन है हमारे अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो देखिए बात उस टाइम की है 5वीं शताब्दी की जब प्लेटो और अरस्तु दोनों ने राजनीतिक सिद्धांत में क्या किया लोकतंत्र और राजतंत्र पर अपने विचार दिए कि लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों में बेस्ट कौन है उस टाइम पर राजनीतिक सिद्धांत के अंदर लोकतंत्र और राजतंत्र पर द्वारा विचार दिए गए थे लेकिन अगर आज हम समाज में देखें तो राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि समाज समाज किसे कहते हैं या संगठित समाज कैसे रह सकता है यानी कि समाज को एक यूनिट के अंदर किस तरीके से रखा जा सकता है या फिर सरकार किसे कहते हैं इन सभी के समाधानों को ढूंढकर उनका उपाय निकालना क्या कहलाता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत ताकि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या बनाया जा सके एक अच्छी सरकार बनाई जा सके ये सब चीजें हमें आज कहां देखने के लिए मिलती है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ठीक है आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आया होगा अब हम बात करेंगे राजनीतिक और सिद्धांत दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे ठीक है सबसे पहले देखेंगे हम राजनीतिक क्या है हमारी सिर्फ राजनीतिक अभी मैंने आपको बताया समाज की सभी समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान कौन निकालता है राजनीतिक निकालती है ठीक है क्यों निकालती है ताकि सभी लोगों के बीच देश के बीच समाज के बीच क्या स्थापित रहे शांति बनी रहे राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल क्या करता है जितनी भी घटनाएं हो रही है उनका समाधान निकालता है उनका निष्कर्ष निकालता है एक निर्णय देता है कि इस फॉर एग्जाम्पल आप समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी गलत काम किया है कोई भी जो हमारा नियम नहीं कहता है हमारा लोन नहीं कहता है वो काम किया है तो ये राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है उसका निर्णय लेता है उसका निष्कर्ष निकालता है कि अब इस व्यक्ति के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर निर्णय लिया जाता है ठीक है लेकिन आज राजनीतिक सिद्धांत को अगर हम देखें तो राजनीतिक शब्द सबसे ज्यादा राजनेताओं के नाम से जाना जाता है मीन पोलिटिकल सबसे ज्यादा पोलिटिशियन के नाम से ही जाना जाता है ये आप सभी को मोस्टली पता ही होगा आगे बढ़ते हैं राजनीतिक आई होप आपको समझ आया होगा देखिए सिद्धांत क्या होता है सिद्धांत अभी आपने क्या पढ़ा राजनीतिक अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या होता है देखिए सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है थ्योरी और थ्योरमा थ्योरी थ्योरिया प्लस थ्योरमा इन दो वर्डों से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है थ्योरी मींस सिद्धांत थ्योरी बना हुआ है हमारा सिद्धांत अब देखिए अगर आपने ये थ्योरी ये थ्योरी और ये थ्योरमा समझ लिया दैट मीन्स आप सिद्धांत को समझ लेंगे ध्यान लगाइए कि थ्योरी और थ्योरमा क्या है थ्योरी थ्योरमा समझने से ही आपको सिद्धांत का मीन्स पता अपने आप ही चल जाएगा देखिए थ्योरी क्या कहता है हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं होती है सिर्फ इसी चीज पर ध्यान दीजिए कि हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं जो घटनाएं घट रही हैं सिर्फ वो ही क्या कहलाती है थ्योरी कहलाती है सिर्फ थ्योरी क्या कहलाती है हमारे आसपास की घटनाएं जो घट रही है और उन घटनाओं को घटने के बाद उन घटनाओं को घटने के बाद जो उसका परिणाम निकलता है जो उसका निष्कर्ष निकलता है वो क्या कहलाता है हमारा थ्यूरमा कहलाता है दैट मीन एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ सपोज कीजिए एक कोई भी लड़की है कोई भी एक व्यक्ति सड़क पे चल रहा है सड़क दुर्घटना में एक ट्रक आया सामने से उसका क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ है उस टाइम घटना घटी है ना कि ट्रक आया सामने से और उस व्यक्ति की उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है सिर्फ यहीं तक की स्टोरी को क्या कहा गया है कहा गया है और फिर उस एक्सीडेंट के बाद क्या परिणाम निकला या तो उसकी हड्डी टूटी होगी सर में फ्रैक्चर आया होगा या फिर वो ऑन द स्पॉट खत्म ही हो गया होगा होगा उसके एक्सीडेंट होने के बाद का जो परिणाम कि क्या हुआ वो क्या कहलाता है हमारा थ्योरमा कहलाता है आई होप आपको ये समझ आया होगा फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया हमारे एक नॉर्मल वे में एग्जाम्पल ठीक है अगर हम पोलिटिकल के तौर पर देखें तो किसी भी प्रकार की महिलाओं द्वारा किया गया आंदोलन महिलाएं किसी जिद पर उस टाइप को लेके आंदोलन कर रही है जैसे कि याद कीजिए चिपको आंदोलन में क्या हुआ था चिपको आंदोलन में क्या हुआ? क्या हुआ हुआ था लेडीजों ने पेड़ों से चिपक थ्योरिया आंदोलन हुआ थ्योरिया हुई उस आंदोलन के बाद क्या परिणाम निकला था कि सरकार को पेड़ काटने पर बैन लगाना पड़ा था परिणाम निकला था ना तो वो जो पेड़ पेड़ की कटाइयों को रोका गया था उसका परिणाम जो था वो क्या हुआ हमारा

राजनीतिक सिद्धांत मीन थ्योरी बनाया गया अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत जो है हमारा उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं सबसे पहला वर्णात्मक राजनीतिक सिद्धांत है हमारा पॉलिटिकल हमारा क्या करता है वर्णात्मक उसका क्या करता है पूर्ण रूप से किसी भी चीज का पूर्ण रूप से वर्णात्मक पूरी तरीके से उसको समझाने की पूर्ण रूप से उसकी विवेचना करने की कोशिश करता है उसका पूरा वर्णन करता है देन उसके बाद अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसके बाद उसमें कोई दिक्कत है या पॉलिटिकल राजनीतिक को उसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं लग रही है तो उसकी क्या करता है वो आलोचना करता है उसके विरोध उसके विरोध हो जाता है वो और आलोचना करने के बाद उसमें कुछ सुधार लाता है सुधार लाया सबसे पहले वर्णात्मक ने उसने वर्णन किया वर्णन के बाद अगर उसमें कोई भी चीज उसको पसंद नहीं आ रही है तो उसका क्या किया उसकी आलोचना की और आलोचना करने के बाद उसमें कुछ सुधार लाने के बाद उसका क्या किया पुनर्निर्माण किया दोबारा से उसको बनाया तो ये होते हैं हमारे राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण कार्य तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक क्लियर हुआ होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी राजनीतिक सिद्धांत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मैं फिर से बोल रही हूं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू